नमस्कार दोस्तों, मैं राणा रंजीत बासु आज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों को यानी यूट्यूब में यूट्यूबरों के माध्यम से एक बहुत बड़ी चीज बताई जाती है होम स्टूडियो सेटअप के बारे में कि कितने रुपए में होम स्टूडियो सेटअप हो जाएगा आपका। होम स्टूडियो सेटअप के लिए बात किया जाता है 10,000 में होम स्टूडियो सेटअप, 15,000 में होम स्टूडियो सेटअप, 20,000 में होम स्टूडियो सेटअप, 30,000 में होम स्टूडियो सेटअप। और ये बिल्कुल बिल्कुल महामूर्ख बनाने वाले लोग होते हैं, या अपना व्यूज बढ़ाने के लिए या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। ऐसा संभव है ही नहीं है कि 10,000 में आप होम स्टूडियो सेटअप कर लें, 15,000-20,000 में होम स्टूडियो सेटअप कर लें। क्योंकि होम स्टूडियो सेटअप के लिए जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, जानते हैं कहां पर होता है? होम स्टूडियो सेटअप के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है आपके लैपटॉप या पीसी पे। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और आपको मालूम भी है कि एक लैपटॉप या पीसी डेस्कटॉप आपको कितने रुपए में मिलेगा। और फिर ये मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं, मैं भी अपना होम स्टूडियो सेटअप बनाना चाह रहा था, और मैं धीरे धीरे करते 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 लगभग मैं 40,000-45,000 के नियर अबाउट में एक्सपेंड कर चुका हूं। लेकिन अभी भी मैं अपने उस सपने को साकार नहीं कर पाया हूं जो मैं अपने होम स्टूडियो में कोई गीत गा सकूं। इसलिए यदि आपके पास एक अच्छा बजट है, अच्छा खासा बजट है, लगभग में 50,000-60,000 के आसपास, तो ही आप होम स्टूडियो सेटअप के बारे में सोचें, वरना बिल्कुल नहीं। आप ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन से, स्टार मेकर्स एप्लीकेशन है, सिमुअल क्या है, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है, उसमें आप गा करके अपने जो दिल की भड़ास है या आपके जो इच्छाएं हैं पूरी कर सकते हैं लोगों। लेकिन होम स्टूडियो सेटअप के बारे में कि आप 10,000-15,000-20,000 होम स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, नहीं। मैं आप लोगों को एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने पूरे इक्विपमेंट जो आपको दिखाऊंगा कि मैं कितने हजार रुपया इस होम स्टूडियो सेटअप के लिए खर्च कर पाया हूं, और थोड़ा थोड़ा खर्च कर करके। ये संभव ही नहीं है कि 10,000-15,000-20,000 में होम स्टूडियो सेटअप हो, क्योंकि जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है आपका लैपटॉप में होता है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको होम स्टूडियो सेटअप के लिए जो इन्वेस्टमेंट लैपटॉप और पीसी में करना है, लगभग में 30,000-40,000 के बीच में होगा ही, तो कैसे संभव है? और उसके अतिरिक्त अब आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, रिकॉर्डिंग जो डा सॉफ्टवेयर होता है, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन होता है, उस सॉफ्टवेयर की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वालिटी चाहिए। आप अच्छे क्वालिटी में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको उस डा की जरूरत पड़ेगी, और उसको परचेज करना पड़ता है, या तो फ्री में, फ्री कुछ दिनों के लिए फ्री मिलता है, नहीं तो और कोई ऑप्शन होता है तो उसको आप ले सकते हैं। नहीं तो यदि आप परचेज करना चाह रहे हैं तो लगभग में 10,000-15,000 कितना लगता है वो आप खुद किसी से बातें कर सकते हैं। तो ये है होम स्टूडियो सेटअप की जो पूरी कहानी। मैं अपने पूरी इक्विपमेंट आपको दिखाऊंगा कि होम स्टूडियो सेटअप के लिए मैंने कितना रुपया खर्चा किया। और ऐसे लोगों की झांसे में मत आइए कि आप संग गायक हैं और चाहते हैं कि मैं भी अपने घर में अपना होम स्टूडियो सेटअप करके अपना गाना का जो सपना है पूरा कर सकूं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप किसी के भी झांसे में मत आइए। यदि आपके पास में लगभग 50,000 के आसपास बजट है तो आप होम स्टूडियो सेटअप के बारे में ही सोचें। नमस्कार, प्रणाम। यदि मेरी जानकारी आप लोगों के अच्छी लगी होगी तो
अगर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अच्छी नहीं लगी हो लगी होगी और यदि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कि मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ। नमस्कार, प्रणाम।